केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र के दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के तहत शाह शनिवार सुबह गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे। यहां वे कई बैठकों में शामिल होंगे। दोपहर को वे यहां से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। गृहमंत्री नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह की रैली से नांदेड़ में भाजपा के महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके साथ ही वे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बता दें कि नांदेड़ कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का गढ़ माना जाता है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया था, इसलिए यहाँ से यह जगह सिखों के लिए भी खास है। अमित शाह यहाँ नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। शनिवार की रात में अमित शाह चेन्नई पहुंचेंगे। 11 जून को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाह तमिलनाडु के वेल्लोर में एक रैली करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु में भाजपा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 66 जनसभाएं करेगी जो 1 महीने तक चलेंगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।